काला सच, वो भी टाइटैनिक टाइटैनिक का। का। तो भाई वीडियो लेके आए आपके लिए, टाइटैनिक का काला सच जो आपसे 100 सालों तक छुपाया गया था। बहस क्या, ये क्या है? टू सबसे थाउजेंड बड़ा सच तो ये टाइटैनिक। छुपाया गया था कि वो सारी मूवी एक स्विमिंग पूल में शूट हुई थी। अच्छा हाँ, हमारे बचपन में पता नहीं था ना। सच्ची और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चैनल का नेम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। अमेजिंग वीडियोस होती हैं इनकी यार, और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो जाके। और इनके चैनल से और किन वीडियोस पर आप रिएक्शन चाहते हो कमेंट कर जरूर बताना। तो शुरू कर दें, यस गेमिंग चैनल है हमारे ये गाइस, रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी होती है इस पर, आ जाया करो। पके पके दो रिएक्शन एंड वन लाइव स्ट्रीम। रेडी स्टडी एंड गो। हेलो दोस्तों, आज से करीबन 106 साल पहले की ये कहानी है, जब एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे मशहूर शिप टाइटैनिक के डूबने की बात कर रहा हूँ। टाइटैनिक जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लग्जरी शिप थी, जिसको द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। इस विशाल शिप को बनाने में 26 महीनों की कड़ी मेहनत, $8 मिलियन जो कि आज $150 मिलियन से भी ज्यादा के इक्विवेलेंट हैं, और कई करोड़ लोगों की उम्मीदें लगी थी। लेकिन ये सारी चीजें चकनाचूर हो गई जब 14 अप्रैल 1912 की काली रात को महज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये अनसिंकेबल शिप अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में ऐसे तेजी से डूबी जैसे कि किसी दलदल में खींच रही हो, और 2 घंटों के अंदर ही इस विशाल शिप का उस पानी में कहीं नामो निशान नहीं बचा। बचे सिर्फ उसके 2208 पैसेंजर्स में से करीबन 712 लोग और उनकी दर्दनाक यादें। इस दुर्घटना ने दुनिया पे इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी कई लोग उस दुर्घटना से उभर नहीं पाए हैं, खास कर की वो अमेरिकन परिवार जिनके रिश्तेदार उस शिप पर थे। टाइटैनिक के ऊपर इन 100 सालों में कई किताबें लिखी गई और कई मूवीज भी बनी, जिनमें उस काली रात को होने वाली घटनाओं के कई पहलू दिखाए गए। कुछ फैक्ट्स थे और कुछ फिक्शन। कई लोग रातों रात सुपर हीरो बन गए और कई लोगों पे दुनिया ने बहुत इल्जाम लगाए। लेकिन उस रात असल में हुआ क्या था? इतना विशाल शिप महज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद इतनी तेजी से कैसे डूब गया? जिन लोगों पे दुनिया ने लापरवाह होने का इल्जाम लगाया, क्या वो सच में लापरवाह थे या फिर बदकिस्मत? अगर आप जानना चाहते हैं टाइटैनिक का पूरा सच, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें जिन्हें सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया 100 साल से बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। पिछले 100 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा था, लेकिन जरा आप ही सोचिए, इस शिप को बनाने में 26 महीनों की मेहनत लगी थी, और उस जमाने की हर वो टेक्नोलॉजी जो कि उस वक्त सबसे लेटेस्ट और उम्दा मानी जाती थी, इस शिप को बनाने में इस्तेमाल की गई थी। फिर आखिर कैसे सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक डूब गई? रिसर्च में पाया गया है कि टाइटैनिक के डूबने का असली कारण वो आइसबर्ग नहीं, बल्कि टाइटैनिक के बेस में लगी एक आग थी। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक ने जब जमीन को समुद्र पार करने के लिए छोड़ा भी नहीं था, तब से ही ये आग उसके बेस लेवल में भड़क रही थी। इसका जीता जागता प्रूफ है टाइटैनिक के चलने से पहले लिए गए कुछ फोटोज, जिनमें एक बड़ा सा काला धब्बा शिप के निचले हिस्से पे साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि सिर्फ एक आग के कारण ही वहाँ मौजूद हो सकता है। जब एक जर्नलिस्ट ने इस धब्बे को देखा तो उसने और गहरी रिसर्च की, जिसके बाद पता चला कि सच में एक आग थी, और ये आग इतनी विशाल और इतनी गर्म थी कि इसने टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से पर एक धब्बा बना दिया। मेटलर्जिस्ट का कहना है कि इतनी गंभीर आग ने टाइटैनिक के बेस पे लगे मेटल को करीबन 75% तक कमजोर कर दिया, और इत्तेफाक से टाइटैनिक भी उस आइसबर्ग से वहीं टकराई जहां वो आग लगी थी। उस जगह पर मेटल के कमजोर हो जाने के कारण ही वो आइसबर्ग टाइटैनिक में एक होल कर पाया, जिससे कि टाइटैनिक डूब गई। चौंका देने वाली बात तो ये है कि जो लोग टाइटैनिक के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन्हें इस आग के बारे में पता था। वे जानते थे कि इस आग के कारण टाइटैनिक पे मौजूद पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक उन्हें इस आग का पता चला, तब तक टाइटैनिक की सारी टिकट्स बिक चुकी थी, और उस दिन चलने वाली हर दूसरी शिप को कैंसिल कर दिया गया था। यही नहीं, अगर अब टाइटैनिक ना चलती तो टाइटैनिक की मालिक कंपनीज को बहुत गहरा घाटा होता, इसीलिए अथॉरिटीज ने चुप रहना सही समझा, और पैसेंजर्स को इस आग का पता ना चले इसके लिए उन्होंने टाइटैनिक को थोड़ा मोड़ के खड़ा कर दिया,
ताकि आग वाला काला धब्बा उन पैसेंजर्स को ना दिखे। लेकिन इस आग के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें थीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं थीं जो अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक ना डूबती और इतनी सारी मासूम जाने नहीं जाती। सबसे बड़ी लापरवाही और बदकिस्मती की बात थी बायनोकुलर्स का ना होना। हर शिप पर कुछ लोग बायनोकुलर्स लेकर हर वक्त चौकन्ना खड़े रहते हैं और ऐसे ही उन्हें दूर कहीं कोई खतरा नजर आता है तो वे शिप के कैप्टन को और शिप चलाने वाले ऑफिसर को चेतावनी दे देते हैं। लेकिन टाइटैनिक पे ऐसा ना हो सका। टाइटैनिक पर भी बायनोकुलर्स थे लेकिन वो ऑफिसर्स के पास होने के बजाय किसी लॉकर में बंद थे। इस लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर के पास थी जिसको लास्ट मिनट पे रिप्लेस कर दिया गया और दुर्भाग्यवश ब्लेयर उस लॉकर की चाबी अपने रिप्लेसमेंट को देना भूल गए और ये बात टाइटैनिक के चलने के 3 दिन बाद बाहर आई। अगर ये बायनोकुलर्स उस रात मौजूद होते तो ऑफिसर्स पहले ही उस आइसबर्ग को देख लेते और ये पूरी ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। बायनोकुलर्स का ना होना तो एक दुर्भाग्य वाली बात थी लेकिन शिप चलाने वाले ऑफिसर के डर और पैनिक का भी एक हाथ था। जब शिप स्टीयर करने वाले ऑफिसर रॉबर्ट हिचन्स को आइसबर्ग की खबर मिली तो घबराहट में उन्होंने शिप को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उस वक्त ये कंफ्यूजन शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि उस जमाने में शिप चलाने के 2 तरीके होते थे, टेल एंड ऑर्डर और रडर ऑर्डर। टेल एंड ऑर्डर के अनुसार एक शिप को एक तरफ मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ मोड़ा जाता था और रडर ऑर्डर में इसका ठीक उल्टा होता था। टाइटैनिक शिप टेल एंड ऑर्डर पे चलती थी लेकिन घबराहट में हिचेंस ने उसको रडर ऑर्डर समझ के गलत तरफ मोड़ दिया और आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय शिप सीधे उससे टकरा गई। इसके बाद टाइटैनिक को तो डूबना ही था लेकिन शायद कुछ और चीजों का अगर ध्यान रखा गया होता तो उस रात इतनी जाने ना जाती। टाइटैनिक पे सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी लेकिन टाइटैनिक के बिल्डर ने केवल 48 लाइफ बोट्स बनाए और इसके बाद भी स्पॉन्सर्स के कहने पर केवल 20 लाइफ बोट टाइटैनिक पे रखे गए क्योंकि 48 लाइफ बोट्स के कारण डेक अच्छा नहीं लग रहा था। हर शिप पर एक इमरजेंसी ड्रिल कराई जाती है जिसमें पैसेंजर्स को लाइफ गार्ड पहनना और स्टाफ को लाइफ बोट्स पानी में उतारना और लोगों को उसमें बिठाना सिखाया जाता है। ये ड्रिल उसी दिन होने वाली थी जिस दिन टाइटैनिक डूबी लेकिन कैप्टन ने इस ड्रिल को कैंसिल कर दिया और वो ड्रिल कभी हुई ही नहीं। कोई नहीं जानता क्यों। इसी कारण लाइफ बोट्स को शिप पे उतारने में 10 मिनट के बजाय आधे घंटे से भी ज्यादा लग गए। यार वाला तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। जिस तरीके से भाई ने समझाई ना एक बारीकी से चीज। गेट सेट फ्लाई इफेक्ट चैनल को यार अमेजिंग हैट्स ऑफ टू देम यार। हैट्स ऑफ टू द गाय कितनी अमेजिंग वीडियो बनाई यार एक एक चीज समझाने के लिए। लेकिन जो लास्ट में बोट्स वाला था ना कि इतनी सीट से लेकर इतने बैठाए गए कम लोग बैठाए गए इनएफिशिएंसी ना वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी ढंग से। और प्लस क्या बोलते हैं उस टाइम ना ये बताएगा कि जैसे छोटी छोटी चीजों की लापरवाही बायनोकुलर्स नहीं था। बायनोकुलर जैसे देखते हैं दूर का दिखता है वो रिप्लेसमेंट हुई थी और वो क्या बोलते हैं और वो इतना घबरा गया वो क्या बोलते क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं उसको जो बोट चलाता है जो बोट चलाता है वो इतना घबरा गया कि भाई साहब उसको उल्टा घुमाना था लेकिन वो सीधा घुमा गया क्योंकि वो था ना इधर मोड़ नहीं तो उधर घुमाना था। कंफ्यूजन में था ये छोटी छोटी थी। और जब आग लगी थी हर एक चीज होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस होता है हमेशा चेकअप होना चाहिए हर एक चीज का। पता होते हुए भी 2000 से ज्यादा लोग नहीं मतलब 1500 से ज्यादा लोग हमने तो एक मूवी ही देखी है। मतलब शिप पे तो 2000 से ज्यादा थे ना लोग। हाँ उन्हें तो ये पता था ना कि 2000 से ऊपर क्योंकि 700 कुछ बचे हैं और 1500 से कुछ लोग वो था ना कि सारी टिकट तो कैंसिल कर दी थी। हाँ मतलब सारी वो जाती शिप बंद कर रखे थे अब ये प्ले यही जाना था पर शिप और इसको भाई सब कैंसिल कर नहीं सकते थे। मतलब कि कई बार ना ह्यूमन लापरवाही बहुत ज्यादा लेके डूबती है। कई बार लगता है ना क्या होगा इतनी सी चीज में क्या होगा। तुम ये सोचो किसी की लाइफ तुम्हारे हाथ में है। जो प्लेन है ठीक है या फिर जो यार हवा और पानी में चलने वाली चीज है ना उनसे तो बिल्कुल इतनी सी भी लापरवाही क्योंकि वहाँ कहीं बंदा बच ही नहीं सकता जगह। चल ठीक है गाड़ी है ये फिर वे कहीं मार दो कहीं वैसे हल्के पुश पे वो रुक गई ब्रेक फेल है लेकिन इसमें तो कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है पानी और हवा वाली। अरे पानी भरने लग जाए शिप के अंदर शिप तो सिंक होनी होनी है यार। छोटी छोटी चीजें जो लापरवाही थी वो चीजें करके यार नहीं तो उस टाइम पे कितनी बड़ी शिप थी है, वही सबसे महंगी। पता है क्या जब उसमें था ना जब हम ऐसे देखते थे तब भी हम बोलते थे हाँ इतनी बड़ी शिप इतने से उससे डूब गई वो कहीं ना कहीं वो मेरे को भी बात ठीक लग रही है वाली जो लोहा कमजोर हो गया था और तो उससे बेटा करा गया और उसी से फिर हो गया। नहीं तो यार शिप तो बहुत चीजें झेल लेते हैं यार इतनी मजबूत बनाई जाती है इतनी
तो ये देखना इतनी बड़ी भारी, उसमें प्रॉपर रेस्टरूम कितनी, मतलब सबसे बड़ी थी उस टाइम की, और वो हल्के से उससे टकरा के चली गई। पता नहीं वो ना ट्रेनिंग कराए ना लोगों की, वो ट्रेनिंग कराए गई जंप कराने की कि भाई साहब अगर कुछ हो जाए तो अब लाइफ सेवर आप पहन के कैसे कूदना है, आपको कैसे बोट में जाना है, मैनेजमेंट की लापरवाही थी सारी चीजें। कुछ नहीं बताता भाई यार, कुछ नहीं हो सकता अगर हम खुद लापरवाह रहेंगे तो इन चीजों में। इसलिए अब बहुत ना, अब जो अब ये 21st सेंचुरी, इसमें अब लोग बहुत वो हो गए हैं, मतलब अब लोग जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत वो जागरूक हो रहे हैं। अभी भी कई बार लापरवाही होती है, लेकिन अब बहुत सारी टीम्स बनी है ना, जो ऑडिट टीम होती है, जो फ्लाइंग आती है, हर चीज चेक करती है, तो वो चीज से थोड़ा सा ना तो सेफ्टी थोड़ा सा सिक्योरिटी थोड़ा सा आदमी फील करता है थोड़ा, हाँ सेफ एंड सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स मतलब उस टाइम से तो बहुत बेटर है। तो भाई आप को क्या लगता है कि क्या रीजन होगा टाइटैनिक के डूबने का आपके हिसाब से? फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजें पता, आप जरूर हमसे शेयर करना कमेंट करके यार, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियोस आप और सजेस्ट करते हो, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सजेस्ट करते हो वीडियोस यार, बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।